सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री दुआ जहरा की कम उम्री में शादी का केस, दुआ जहरा केस अदालत ने फैसला महफूज किया है, फैसला आज ही सुनाया जाएगा। तफसीला जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल अहमद बताइएगा कब तक फैसला सुनाया जाएगा आज? जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का 3 रुकनी लार्जर बेंच है जिसने दुआ जहरा केस का फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाज जिब्रान नासिर मेहदी कासमी और दीगर वकला कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत का मुकालमा हुआ मेहदी कासमी से और उनके वकला से। अदालत ने बारहा ये पूछा कि बताएं कि अगर आपकी एक और मुलाकात करवा दी जाती है, हालांकि इससे पहले 2 अदालतों में दुआ जहरा ने पेश होकर ये बयान कलमबंद करवा दिया है जिसके बाद अब अगवा का मामला तो नहीं बनता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी 3री मुलाकात भी करवा दी जाए तो लेकिन ये बताइए कि अगर उसने फिर भी ये कह दिया कि वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रह जाएंगे? जिस पर उनके वालिद का ये कहना था कि वो चाहते हैं कि अगर बच्ची मना भी करेगी तब भी वो उसकी कस्टडी चाहते हैं, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर का मुकालमा हुआ मेहदी काजमी से और उन्होंने कहा कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप उसकी निकाह को गैर कानूनी करार दे सकते हैं, क्योंकि मैरिज एक्ट के तहत बच्ची ही के पास ये अख्तियार है कि वो अपने निकाह को चैलेंज कर सकती है, वालिद भी निकाह को चैलेंज नहीं कर सकता। जिसके बाद अदालत ने दलाइल मुकम्मल की है और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया है और तवक्कु की जा रही है कि 1 बजे के करीब ये फैसला आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।